हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित प्रजापति, ट्रेडर। दोस्तों, अगर आपने एक्सनेस में अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो अभी ज़रूरत है आपको अपना अकाउंट MT4 या MT5 में लॉगिन करने की, क्योंकि MT4 या MT5 में आपको लॉगिन करने पर एक अच्छा ट्रेडिंग टर्मिनल मिल जाता है। वहाँ से आप अच्छे तरीके से ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और ट्रेड करने में आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है। ओके, इसके अलावा हर एक ब्रोकर अपना ट्रेडिंग टर्मिनल भी प्रोवाइड करता है, तो आप ब्रोकर के ट्रेडिंग टर्मिनल में भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि एक्सनेस का ब्रोकर का जो टर्मिनल है वो यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां से इनका ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन हो जाएगा और आप इनके एप्लीकेशन से भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप MT4 या MT5 में ट्रेड करें, तो वहां पर आपको चार्ट देखने की ज्यादा अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है और ऑर्डर एग्जीक्यूशन करने के लिए अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। तो आइए, चलिए अभी बात कर लेते हैं कि अगर आपने एक्सनेस में अपना अकाउंट बनाया है, चाहे आपने अपना MT4 का अकाउंट बनाया है या फिर MT5 का अकाउंट बनाया है, तो किस प्रकार से लॉगिन करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको मेरी दो आईडी दिख रही हैं, एक MT4 की आईडी है और दूसरी MT5 की आईडी है, तो मैं यहाँ पर आपको दोनों ही लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ MT5 को हमें किस प्रकार से लॉगिन करना है। दोस्तों, MT5 में लॉगिन करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और वहां पर आपको सर्च करना है MT5। जैसे ही आप यहां पर MT5 लिखेंगे तो यहां पर MT5 की एप्लीकेशन आ जाएगी। MT5 की एप्लीकेशन को आपको यहां पर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो आइए, मैं आपको MT5 की एप्लीकेशन में बता देता हूँ किस प्रकार से आपको अपना एक्सनेस का अकाउंट लॉगिन करना है। जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये कुछ नोटिफिकेशन मांगता है, तो इसको हमें एक्सेप्ट कर देना है, और यहाँ पर ये ओपन ए डेमो अकाउंट के लिए बोलता है, इसको कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल इंटरफेस से दिखाता हूँ किस प्रकार से MT5 में आप लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, आपको लॉगिन करने के लिए लेफ्ट साइड में जो तीन लाइनें दिख रही हैं, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर करना है गेट स्टार्टेड। ये मैं MT5 के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे आप गेट स्टार्टेड करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, तो आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। ये आप देख पा रहे हैं प्लस का आइकन, तो आपको इस प्लस के आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फाइंड ब्रोकर के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ पर अपना ब्रोकर फाइंड करना है। जैसे कि आपका अकाउंट एक्सनेस में है तो आपको यहाँ पर लिखना है एक्सनेस। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर एक्सनेस लिखेंगे तो आपको कई तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि एक्सनेस, एक्सनेस, एक्सनेस यूके, एक्सनेस बीजी, एक्सनेस बीजी। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कौन से वाला सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर हमेशा एक्सनेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को सिलेक्ट करना है। ये लास्ट में आप देख पा रहे होंगे एक्सनेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसको आपको क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर देखने के लिए मिल जाता है एक्सनेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर लॉगिन करने के तीन चीजें चाहिए होती हैं। आपको लॉगिन आईडी चाहिए, आपको अपना पासवर्ड चाहिए, देन उसके बाद सर्वर। तो ये चीजें देखने के लिए आपको एक बार फिर से अपने एक्सनेस के टर्मिनल में जाना होगा और वहां पर ये तीनों चीजें देखनी होगी। ये देखिए, यहां पर मैं अगेन अपने एक्सनेस के टर्मिनल में आ गया हूं, और जैसे कि मैं यहां पर अपने MT5 का अकाउंट लॉगिन करना चाहता हूं, तो MT5 का जो ये अकाउंट आईडी है, इसके सामने मुझे एक सेटिंग का आइकन दिख रहा है, मुझे इस पर क्लिक करना है और यहां पर चौथे नंबर पर अकाउंट इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आ रहा है। तो जैसे मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करूंगा तो मेरे अकाउंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है मुझे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मेरे अकाउंट का सर्वर है एक्सनेस MT5 रियल 6 और मेरी MT5 की लॉगिन आईडी है ये वाली, और जो ये टाइप है मेरा स्टैंडर्ड है, और यहाँ पर मैंने लेवरेज जो भी लिया हुआ है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको लेवरेज हमेशा हाई पर रखना है। ठीक है, मैक्सिमम लेवरेज एक्सनेस में 1:2000 का मिलता है, तो आपको वही रखना है। तो यहाँ पर ये मैंने 200 रखा हुआ है, इसको मैं चेंज कर लूंगा। देन उसके बाद आपका जो पासवर्ड होगा वो आप लोग जानते ही होंगे। तो हमें यहाँ पर चाहिए दो चीजें, सर्वर और MT5 की आईडी। तो मैं यहाँ पर MT5 की आईडी को कॉपी कर लेता हूँ और ये मेरा सर्वर है एक्सनेस MT5 रियल 6। तो इस चीज को मुझे क्या करना है, MT5 में पेस्ट करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपनी MT5 की जो आईडी है वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। अभी मेरे को अपना यहाँ पर पासवर्ड डालना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड भी फिल कर लिया है। अभी मेरे को यहाँ पर सर्वर डालना है। तो जैसे सर्वर के आगे ये एक आइकन बना हुआ है, ये एरो टाइप सा, इस पर मुझे क्लिक करना है और यहाँ पर मुझे अपना सर्वर डालना है। जैसे कि मैंने अपने एक्सनेस के टर्मिनल में देखा था, मेरा जो सर्वर है एक्सनेस MT5 रियल 6 है, तो मुझे यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, यही है एक सिंपल सा प्रोसेस। यहाँ पर मुझे अपनी लॉगिन आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है और मुझे अपना सर्वर डालना है, जो कि मेरे एक्सनेस के टर्मिनल में अकाउंट इन्फॉर्मेशन में मुझे दिख रहा था। देन उसके बाद मुझे सिंपली यहां पर लॉगिन कर देना है। तो जैसे मैं यहां पर लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो यहां पर ये जो मेरा एक्सनेस का जो मेरा अकाउंट है वो लॉगिन होना चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा MT5 का ये अकाउंट है ये लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर मेरा एक्सनेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड लिखा हुआ आ रहा है, ये मेरी लॉगिन आईडी है और यहाँ पर ये मेरा सर्वर है एक्सनेस MT5 रियल 6। अभी मैंने इस अकाउंट में कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो MT5 को आप यूज करने के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है और इसमें अगर आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सब डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको अपनी साइड से कुछ भी ऐड करना है जैसे कि गोल्ड, तो आपको लिखना पड़ेगा XAU USD, तो यहाँ पर गोल्ड ऐड हो जाएगा। अगर आपको EURUSD ऐड करना है तो आपको EURUSD लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर EURUSD भी आ जाएगा। आपको जो भी कुछ ऐड करना है यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लेंगे, देन उसके बाद इस पर थोड़ी सी देर प्रेस करेंगे तो आप चार्ट देख सकते हैं। और चार्ट का आपको टाइम फ्रेम अगर चेंज करना है तो स्क्रीन पे एक बार आपको क्लिक करना होता है तो ये टाइम फ्रेम अलग अलग आ जाते हैं। देन उसके बाद अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो आप डायरेक्ट चार्ट पे से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक बार क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है न्यू ऑर्डर का। यहाँ पर अभी ये न्यू ऑर्डर का ऑप्शन इसलिए हाइड है क्योंकि इस अकाउंट में फंड नहीं है। जब आपका फंड होता है तो ये न्यू ऑर्डर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर लग जाता है। ओके, देन चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हम किस प्रकार से MT4 में लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों अभी ये मैंने आपको बताया था कि आपको MT5 में किस प्रकार से लॉगिन करना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि MT4 में किस प्रकार से आप लॉगिन करेंगे। दोस्तों 90% सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक तो आपकी एप्लीकेशन चेंज हो जाती है और थोड़ा सा डालने का तरीका चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर जाकर MT4 को डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों MT4 को डाउनलोड करने के लिए सिंपली मुझे अपने गूगल प्ले स्टोर में MT4 लिखना है और जैसे ही मैं इसको सर्च करता हूँ तो यहाँ पर MT4 की एप्लीकेशन आ जाती है। मैंने इसको भी ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। अभी चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से MT4 में लॉगिन करना है। MT4 का भी इंटरफेस बिल्कुल ऐसा ही होता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आपको लेफ्ट साइड में जो तीन लाइनें देखने को मिल रही हैं इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मैनेज अकाउंट में क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज अकाउंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर जो प्लस का आइकन दिख रहा है तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाती हैं, ओपन ए डेमो अकाउंट, लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। दोस्तों आप क्योंकि रियल अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको डेमो अकाउंट से कोई भी संबंध नहीं है, डेमो अकाउंट पर आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेम यहाँ पर भी आपको ब्रोकर फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी मैं अपना एक्सनेस लिखूंगा और जैसे मैं यहाँ पर एक्सनेस लिखता हूँ तो यहाँ पर कई सारे एक्सनेस के ये सर्वर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें अपना कौन सा सर्वर डालना है क्योंकि यहाँ पर जब हम फाइंड करते हैं तो यहाँ डायरेक्टली सर्वर यहाँ पर सेलेक्ट होकर आता है। तो इसके लिए मैं फिर से अपने एक्सनेस के टर्मिनल में चलता हूँ और देखता हूँ कि मेरे अकाउंट आईडी और सर्वर क्या है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं मैं अगेन अपने एक्सनेस के टर्मिनल में आ गया हूँ और ये मेरी MT4 की आईडी है ऊपर। तो MT4 की आईडी के बराबर में यहाँ पर सेटिंग का आइकन है, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो चौथे नंबर पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में मैं देख सकता हूँ मेरा जो सर्वर है एक्सनेस रियल 29 है और मेरी MT4 की लॉगिन आईडी ये है। मेरा अकाउंट टाइप स्टैंडर्ड है, 1:2000 का लेवरेज है। बाकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो मुझे यहाँ से चाहिए दो चीज़ें, एक तो मेरा सर्वर और एक MT4 की लॉगिन आईडी। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सर्वर गलत होगा, आपने गलत सर्वर डाल दिया तो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। आपको अपना सर्वर, MT4 या 5 की लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ये तीनों चीज़ें एकदम सही डालनी होती हैं। तो आइए चलिए मैं इसको फिर से फिल कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने वहाँ पर देखा मेरा एक्सनेस का जो मेरा रियल 29 सर्वर है उसको मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। जो भी सर्वर आपको वहाँ पर दिखेगा वो यहाँ पर डेफिनेटली होगा। जैसे कि ये देखिए एक्सनेस रियल 29 है और यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपनी MT4 की लॉगिन आईडी डालनी है और यहाँ पर मुझे अपना पासवर्ड डालना है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक्सनेस का सर्वर भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, मैंने अपनी MT4 की लॉगिन आईडी को भी डाल लिया है और मैंने पासवर्ड को भी डाल लिया है। अब मुझे करना है साइन इन। जैसे ही दोस्तों मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी मेरा MT4 का जो अकाउंट है लॉगिन होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा MT4 का जो स्टैंडर्ड अकाउंट है यहाँ पर लॉगिन हो चुका है एक्सनेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड और ये मेरी लॉगिन आईडी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको मेरा सर्वर देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर ये मैंने $62 इसमें ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं। यहाँ पर भी अगर आपको MT4 में कुछ भी स्क्रिप्ट को ऐड करना है, रिमूव करना है, तो पेंसिल के आइकन पर आपको क्लिक करना है, डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। और अगर आपको यहाँ पर कुछ भी स्क्रिप्ट को ऐड करना है तो आपको यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है, देन उसके बाद यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो भी चीज़ ऐड करनी है उसको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर US 30 को लिखा तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा।
और जैसे कि मैंने यहाँ पर यूएसटी कैड लिखा तो ये भी ऐड हो जाएगा और इसको मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। इस पर मैं थोड़ा सा क्लिक करके रखूँगा तो मैं ओपन ए चार्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपना चार्ट देख सकता हूँ टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको MT5 में बता रहा था, आपको अगर कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको चार्ट पर भी डायरेक्ट ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है तो ये ऑर्डर यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास दूसरा भी ऑप्शन होता है, जैसे कि आप किसी भी स्क्रिप्ट पर थोड़ी देर उंगली प्रेस करेंगे तो यहाँ पर न्यू ऑर्डर का ऑप्शन आ जाता है, तो आप यहाँ पर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि आपको किस प्रकार से अपने एक्सनेस के टर्मिनल से MT4 में या MT5 में लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद आप उसमें ईजिली ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप का नंबर दिया है, उस पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।